प्योर क्वेश्चन करना है, क्या करना है, वेरीफाई दैट, क्या करना है, क्वेश्चन 12 टू वेरीफाई, क्या करना है आपको, वेरीफाई करना है एक्स का क्यू प्लस, ये आइडेंटिटी है, कितनी आइडेंटिटी हो चुकी तुम्हारे पास, ये वो 9 हो गई थी, 10 हो गई थी, ये 11वीं हो गई, तो कौन सी, ये एट ही है, हाँ एट है, एट है, लेकिन इसमें 1/2 आ गया ना, उधर क्या था, एट एंटिटी में आपका था एक्स का क्यू प्लस वाई का क्यू प्लस जेड का क्यू माइनस एक्स वाई जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, है ना, और यहाँ पे आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड, ये था ना, चलो तो इसको कर लेते, क्या है हमारी टू वेरीफाई, हिंदी में सत्यापित करना है इसको, क्या करना है, बहुत इंपॉर्टेंट एंटिटी, एक्स का क्यू प्लस वाई का क्यू प्लस जेड का क्यू माइनस 3xyz इज इक्वल टू होता है आपका 1/2 एक्स प्लस वाई प्लस जेड होल का ब्रैकेट, बहुत इजी है, इसको तोड़ दो अंदर वालों को, प्लस वाई माइनस जेड का स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ये सुनो, तो हमें लेफ्ट लेना आसान है, राइट लेना आसान है, राइट लेना आसान है, यानी लफड़ा सिर्फ इतना था, दो जाना चाहिए और इसमें से क्या आना चाहिए, अच्छा इसकी आइडेंटिटी क्या है पहले बताओ, अगर हम इसकी आइडेंटिटी की बात करते हैं तो क्या है, एक्स का क्यू प्लस वाई का क्यू प्लस जेड का क्यू माइनस 3xy जेड की आइडेंटिटी क्या है, बोलो, यानी आइडेंटिटी एक्स प्लस वाई प्लस जेड, हाँ एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस 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 एक्स, बस ये आपकी आइडेंटिटी है, ये सुन लो, तो इस आइडेंटिटी के फॉर्म में हमें किसको लाना है बेटा, यानी इसको या तो ये ले आओ या ये ले आओ, है ना, ये तो ला ही नहीं पाओगे, ये ला सकते हो, ये सुनो, तो यानी हमें इसका क्या बना देना बेटे, इसको हमें ये लाना है, और ये आ गया तो अब कैसे रही आई, हमें क्या लाना है फिर समझो, इसका हमें ये लाना है, नहीं ये, और ये किसके बराबर है, तो ये जब इसके बराबर तो ये, तो हमें क्या लाना है इसमें क्वेश्चन में, आर एच एस, क्या लिखोगे, इसे समझाने के लिखा है मैंने, लिखो आर एच एस, आर एच एस क्या है बेटा, 1/2 एक्स प्लस वाई प्लस जेड, फिर क्या बचा, एक्स माइनस वाई का स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड का स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है, तो एक काम कर लेते हैं, ये तो हमने ले ली आर एच एस, तो क्या हुआ आर एच एस का, तो ये 1/2 यहीं पर लिख दो, बचा क्या है एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है, इसको भी यहीं पर छोड़ दो, अब आ जाते हैं अंदर की तरफ, x माइनस वाई का होल स्क्वायर आइडेंटी क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर माइनस 2xy, याद है ये आइडेंटिटी याद होनी चाहिए, क्या x माइनस वाई का स्क्वायर की आइडेंटिटी, x का स्क्वायर माइनस वाई का माइनस 2xy या x का स्क्वायर प्लस 2y का स्क्वायर माइनस 2xy, तो क्या लिखोगे, x का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर माइनस 2xy, यही सुनो, ये तो आ गई आपकी कौन सी वाली, सिर्फ और सिर्फ किसकी जगह लिखी हमने, सिर्फ फिर बची वाई माइनस जेड का स्क्वायर, सेम आइडेंटिटी लगेगी, क्या लिखोगे, वाई का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर माइनस 2, इसको एक्स माना इसको, तो क्या लिखोगे 2yz, फिर बचा क्या प्लस जेड माइनस एक्स का स्क्वायर, हाँ जी जेड माइनस इसका, यानी ये एक्स मान लिया इसको वाई मान लिया, तो क्या होगा एक्स का स्क्वायर यानी जेड का स्क्वायर, फिर प्लस एक्स का स्क्वायर माइनस 2 जेड है या एक्स जेड कुछ भी कर लो एक्स जेड, ठीक है ये आ गया, ठीक है चलिए अब एक काम करते हैं, फिर से आ जाओ यहाँ पर, क्या हुआ एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर माइनस 2xy 2yz एंड 2zz, तो फिर से लिखो इसका 1/2, हाँ जी दिखाई दे रहा आ रहा है आंसर, एक्स प्लस वाई प्लस जेड ये आ गया, तब हमारा x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, पहले इन सबको खोल लेते हैं, तो सब प्लस माइनस ही हो रहे हैं, x का स्क्वायर
ब्रैकेट डाल लेते हैं, वाई का स्क्वायर माइनस टू एक्स वाई, हाँ जी दो मिनट वेट कीजिए मत, हाँ प्लस वाई का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर माइनस टू वाई जेड प्लस जेड का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर माइनस टू एक्स जेड, यहाँ तक आ गई वे तो आंसर दिख गया। सबसे पहले क्या करो, जो एक्स एक्स के स्क्वायर कितने बार आए, बार आए हमें दो निकालना है ना, तो दो सट जाएगा ना, तो एक्स वाई जेड आ जाएगी, तो हमने क्या किया एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स का स्क्वायर कितने बार है, दोनों प्लस का है ना, तो क्या लिखोगे टू एक्स का स्क्वायर है, नहीं इसका मतलब है एक्स का स्क्वायर दो बार, टू टाइम्स, फिर वाई का स्क्वायर कितने बार है बच्चे, हाँ टू टाइम, प्लस का है ना वाई का, तो पहले इसलिए हम एक्स वाई जेड लिखेंगे पहले, याद है क्योंकि हमें निकालना है ना एक्स का स्क्वायर वाई का स्क्वायर, समझो ना क्वेश्चन का, एक्स का स्क्वायर वाई का स्क्वायर जेड का स्क्वायर चल रहा है ना, तो उसी की फॉर्म में लाना पड़ेगा, पहले एक्स लो फिर वाई लो, फिर तो एक्स का स्क्वायर टू एक्स का स्क्वायर, फिर टू वाई का स्क्वायर, फिर जेड कितने बार आया, जेड का स्क्वायर और जेड का टू जेड का स्क्वायर, यस और नो, फिर ले लो एक्स वाई, क्या चाहिए मुझे, देखो यहाँ से देख के करना है, माइनस टू एक्स वाई माइनस टू एक्स वाई दिखाई दे रहा है, एक तो टू एक्स वाई ये ले लिया, फिर हम क्या लेंगे माइनस का टू वाई सब ले लो, फिर माइनस का क्या लेंगे टू एक्स जेड या टू जेड एक्स, बात वही है, तो माइनस का टू एक्स जेड लिखो, जेड एक्स लिखो, बात तो वही है ना, हमने वहाँ जेड एक्स लिखा तो जेड एक्स लिखो यहाँ पर, ठीक है टू जेड एक्स, ठीक है। अब क्या हुआ, इन सब में बेटर कॉमन क्या है जो सब में आ रहा है ना, दिख रहा है सबको, है ना, नहीं दिख रहा तो मन की आंखों से देखो, है ना, मैं संडे को लगा दूंगा यहाँ पर, डोंट वरी दिखेगा, हाँ मिल गया है? इन सब में कॉमन क्या है, टू है ना बेटा सब में, तो क्या ले लेते भाग टू ले लेंगे, तो बचेगा क्या वन बाई टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड मल्टीप्लाई क्या हुआ टू डिवाइडेड बाय, मतलब ब्रैकेट क्या बचा एक्स का स्क्वायर एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर, ये तो हुआ, फिर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, टू से टू गया, देखो यहीं से कट गया, टू से बचा क्या एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ओके बचा एक्स का स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड का स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, कैसी रही एंड प्रूव, क्लियर, ध्यान रखना इसका ये नहीं बनने वाला कभी, इसका क्या बनेगा ये, और ये किसके बराबर, यूक्लिड ने कहा था होल इक्वल टू होल देन होल्स आर इक्वल, है ना, नहीं 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 होल्स हाफ नहीं, अगर एक दूसरे के बराबर है वन इक्वल टू अनदर देन अनदर इक्वल टू वन अनदर, यहाँ से नो क्वेश्चन 13 तो वो कह रहा है इस इफ यदि x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू कितनी है जीरो तो शो दैट, शो का मतलब टू प्रूव करो, क्या करना है शो का मतलब टू प्रूव, हिंदी में जो वर्ड आता है ना शो दैट, तो इसका मतलब होता है सिद्ध करना, हिंदी में लिखा दर्शाइए मतलब सिद्ध करिए, है ना बतलाइए, क्या कहता है x का क्यूब प्लस y का क्यूब प्लस z का क्यूब इक्वल टू 3xy, अगर इसको गौर से देखो ये है क्या, अंदर आ जाए तो अंदर आ जाए तो आइडेंटिटी बन जाएगी, क्या बनेगी, हाँ जी ये एक आइडेंटिटी बन जाएगी, हिंदी में सर्व समिका हो जाएगी, ठीक है, क्या है x का क्यूब प्लस वाई का क्यू प्लस जेड का क्यू माइनस थ्री एक्स जेड थ्री एक्स वाई और जेड, क्या आता है बोलो एक्स प्लस वाई प्लस जेड ब्रैकेट में एक्स का स्क्वायर माइनस वाई का सॉरी प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर माइनस हाँ एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड, ये तो हुआ है ना, तो जैसे ही हम इसको अंदर ले आए तो ये क्या हो गया ये आ गई ना, ये कब आई जब इसको अंदर लाए, लेकिन लाना क्या है इसको हमें, अच्छा x प्लस वाई जेड की वैल्यू कितनी है
और जब जीरो से क्यों ही गिरती थी, मल्टीप्लाई करते तो क्या जाता है वो जीरो। तो यानी ये सारी वैल्यू क्या हो जाने वाली है, जीरो। ठीक है, तो ये कट गया पूरा, क्योंकि क्या हो रहा है, ब्रैकेट है ना, खोलते ही मल्टी जीरो से मल्टीप्लाई होंगे सारे। तो कहने का मतलब बचा गया सिर्फ और सिर्फ आपके पास ये, सुन लो, यहाँ माइनस उधर किसको जाएगा, इज इक्वल टू 3xy हैंस रूट, हिंदी में अतेप सिद्ध हुआ। किसको नहीं आ रही ये, कैसा ही पता लग गया, अंदर जाएगा, इसकी आइडेंटिटी क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। इसको क्या, इसकी वैल्यू क्या रखी, कहाँ से रखी, अपनी जेब से, कहाँ से, ऊपर की मैंने, क्या है, हाँ जी पलक, क्या है, जीरो है ना। तो जब जीरो को यहाँ रखोगे तो ये क्या हो जाएगा बेटा, इसकी तो जीरो है ना, और जीरो से इसका मल्टीप्लाई करोगे, जीरो का आप किसी से भी मल्टीप्लाई करते हो तो वो क्या होता है, आंसर है ना, क्यों भाई, किसी का हुआ भी होगा, किसी का मल्टीप्लाई हुआ आज तक, हाँ 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 जी हाँ। और सौ से मल्टीप्लाई करोगे तो जितने आप उसका सौ टाइम है ना, तो देख लो, तो ऐसे हो गया, बाकी जीरो लगा, जीरो हो गया, जो माइनस का अंदर किसका हो जाएगा, आ गई वाली फॉर्म। अरे ये वाली फॉर्म कैसे आई, इससे ही आई, और इसी से क्या आई, ये आई, यानी हमें ये ला के दिखाना है, तो आ गई ना। और ये सोल्व किससे हुआ, खुद ही से, जो वैल्यू दी है, ये सुन लो, नहीं आ रही, जल्दी लिखो, फास्ट नोट डाउन करो कॉपी में। क्वेश्चन 14 क्या है, देखो ध्यान सुनो, वो कह रहा है भाई डायरेक्ट मल्टीप्लाई मत करना, मना कर दिया साफ है ना, विदाउट एक्चुअल कैलकुलेटिंग द क्यूब्स, यानी इनके क्यूब जो दिए गए हैं, तीन की पावर दिए हैं, घन जो दिए गए हैं, इनको डायरेक्ट मल्टीप्लाई मत करना और प्लस ही मत करना, और फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच, और हमें इसकी वैल्यू निकालना है। देखो क्या है हमारा, समझ की कोशिश करो, उन्होंने दिया है माइनस 12 का क्यूब प्लस 7 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब। बेटा क्या है बताओ कि क्यों, क्या कैसे करेंगे, हाँ वही से होगी, कैसे क्या, ये क्या कहना चाहिए, क्यूब है ना, हमें एक आईडी पता है, याद है अभी क्या था, एक्स का क्यूब प्लस वाई का क्यूब प्लस जेड का क्यूब माइनस 3x वाई जेड, ये तो होता है। अगर मान लो उधर पहुंचा दो उसको क्या हो जाएगा, एक्स का क्यूब प्लस वाई का क्यूब प्लस जेड का क्यूब बराबर 3xyz, ये सुन लो, एक्स का क्यूब प्लस वाई का क्यूब प्लस जेड का क्यूब इक्वल टू 3xyz, यही नहीं हुई, यानी 3xyz, यानी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, यस एग्जैक्टली, क्लियर। तो x क्या हो गया हमारा, तो x का मान लिया ना रिस्पेक्टिवली, x बराबर y बराबर 7 और z बराबर 5, ये सुन लो, यही तो हुआ। तो अगर हम ये रख दें किसकी जगह, इसको नहीं कर सकते मल्टीप्लाई, इसको नहीं कर सकते हम, किसको कर सकते हैं, डायरेक्ट मना करा ना विदाउट। तो कहने का मतलब हमने क्या ले ली, आर एच एस, यानी ये पूरी किसके बराबर है, 3 किसके बराबर है, 3 12 7, ये तो है नहीं, 12 किसका, माइनस का, ये तो है, यानी कहने का ये क्या आपका, यानी एक्स वाई, ये समझाओ लिखना मत यहाँ पर, समझ में आ रहा है। तो कहने का हम क्या ले सकते हैं, 3xy और z, 3 क्या है, x क्या, माइनस का 12, y क्या है, z क्या, 5, कितना है आंसर, 12 पंजे 60 यानी हो गया 6, फिर 7 दून 7 21 यानी हो गया ये 6 एकम 6 6 दूनी 12, माइनस 12 60 कैसे रही, आ गया, हो गया माइनस का 1260, क्लियर। बस सेकंड पार्ट कर लूँ, सेम है, और इसकी वैल्यू है 28 का क्यूब
प्लस माइनस 15 का क्यूब प्लस माइनस 13 का क्यूब, ये तो ये है आपकी, यानी वही बन गई ना सेम। क्या एंटी लगी? एक्स का क्यूब प्लस वाई का क्यूब प्लस जेड का क्यूब माइनस 3xy जेड, एक्स का क्यूब प्लस वाई का क्यूब प्लस जेड का क्यूब बराबर 3xy जेड, ये बन गई ना। अब हमें क्या रखना है, इसको एक्स मानेंगे वाई और इसको जेड, इसको तो कर ही नहीं सकते मल्टीप्लाई, मना कर दिया। तो आर एच एस ले लो इज इक्वल टू क्या हुआ, यानी 3x हुआ 28, वाई क्या हुआ माइनस का 15, जेड क्या हुआ माइनस का 13, है ना। तो हुआ आपका 13 26 39, कितना हुआ, कितना आया आंसर, मैंने आया माइनस प्लस आएगा 16380। पता क्यों नहीं आएगा, ये तो माइनस है, माइनस से प्लस हो गया। क्लियर, मल्टीप्लाई करो, देखो चेक करो, यही आया। क्वेश्चन 15 कहता बच्चे, कह रहा है गिव पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर लेंथ ब्रेथ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग रेक्टेंगल इन विच देयर एरिया गिवन। यहाँ पे क्या दिया है, रेक्टेंगल दिया है, हिंदी में आयत, है ना, ये रेक्टेंगल यानी आयत दिया हुआ है आपको, और उसका एरिया क्या दिया है उन्होंने, हिंदी में क्षेत्रफल क्या दिया है, 25 ए का स्क्वायर माइनस 35 ए प्लस 12, ये दिया है, दो दिए हैं, पहले एक करते हैं, ठीक है, ये फर्स्ट पार्ट है, ये आपको गिवन है, सुनो। हाँ जी, ये हुआ ना, देखो अगर गौर से देखो इसको भूल जाओ, ये क्या है एक्स का स्क्वायर, ये क्या होता है एक्स और प्लस, याद आ रहा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म है ना, दो की पावर जो यहाँ फिर यहाँ और फिर एक चर अचर होता है हिंदी में, इस तरह कॉन्स्टेंट, याद है। अगर मैं लिखूँ 4x का स्क्वायर माइनस 4x प्लस 8, कुछ भी लिख सकते हैं ना, ये सुन लो, अगर यहाँ पे दो की पावर a है, अब इसी को हम कोई भी वेरिएबल ले सकते हैं, a का स्क्वायर माइनस a प्लस 12 क्या है यहाँ पर, याद है। तो ये कौन सी फॉर्म में है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए हमें एक्स और वाई निकालना पड़ता है, एक्स निकालना होता है, सुनो, और एक्स दो बार में आता है, याद है, ब्रैकेट में कॉमन कॉमन लेके करते थे, याद है। तो कहने का मतलब इस क्वेश्चन में आपको क्या लगाना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और जब उसको लगाओगे तो दो चीज़ें निकलेंगी ब्रैकेट के अंदर, उनमें से किसी को लेंथ मान लेना, किसी को क्या बोल रहा है, इसमें से लेंथ और ब्रेथ निकालो, याद है, लंबाई और चौड़ाई निकालो, मिल गया। तो कैसे करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कर लेते हैं, तो कहने का मतलब 25 ए का स्क्वायर माइनस 35 ए प्लस 12 है। अब हमारे पास याद है, मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन तरीका बताया था, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू कॉन्स्टेंट टर्म, याद है, सम ऑफ एक्स, यानी एक्स स्क्वायर का गुणांक इंटू स्थिरांक, यस और नो। अगर ये मल्टीप्लाई करोगे तब जो आएगा उसका एलसीएम लेते हैं, और जो मिलता है वो सम ऑफ एक्स के बराबर होना चाहिए, यानी 20 माइनस 20 ए और माइनस 15 ए, 20 और 15 35, और 20 और 15 का जो मल्टीप्लाई करोगे दोनों का, जो कितने के 2512 के बराबर आएगा, यानी 25 दाम 250 और 25 दूनी 50, कितना हो गया 300, नहीं भाई, देखो ऐसे ही हो गया ना, इतनी 25 का 12 से मल्टीप्लाई करो, 25 का 12 से क्या होगा 250 और 25 दूनी 50, कितना हुआ, सिंपल सा है, नहीं आया। यानी आपका जिसको नहीं पता फिर से लिख लो, क्या लिखते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, इन कोएफिशिएंट हिंदी में एक्स स्क्वायर का गुणांक, याद है आपने पहली एक्सरसाइज करी थी, दूसरी एक्सरसाइज, हाँ जी पलक, याद है इसका गुणांक बताओ, डिग्री वाला याद है, तो जो गुणांक किसका है इसका, एक्स स्क्वायर, यहाँ एक्स क्या है यहाँ पर ए माना ना, ए स्क्वायर नहीं या एक्स स्क्वायर, बात वही ट्रिक है, फॉर्मूला है, आइडेंटिटी है, मतलब तरीका है सोल्व करने का, इनटू क्या लिखते हैं, कांस्टेंट टर्म, हिंदी में स्थिरांक या अचर कह दो, बुक में अचर लिखा, ठीक है, अचर मतलब जिसके साथ कोई चर ना हो, है ना, यानी कोई
हाँ, जिसके पास कोई भी वेरिएबल ना हो। तो यानी यहाँ पे क्या है, वेरिएबल नहीं है जो 12, और यहाँ पे क्या है 25 का मल्टीप्लाई 12 से किया, 12 पंजे 60, 6 12 दूनी 24, 6 30, 300 ये सुन लो, या 25 दाम 250, 25 दूनी 50, 300 है ना, आ गया। अब ये जो 300 आएगा वो किसके बराबर होना चाहिए, सम ऑफ इसके बराबर, याद है। यानी कहने का मतलब 25 ए का स्क्वायर और 12 रखो और तोड़ो तो किसके बराबर हो जाए, 35 के बराबर, याद है, ए के बराबर नहीं, 35 को चेक करते हैं। तो यानी कहने का उसे काटते तो किससे कटता है ना, जलीली काट लेते, 5 छक्का 30, अब वो मत कहना पहले 2 से काटो फिर 3 से, जलीली कटो है, 5 छक्का 30 0, फिर कटेगा 5 से 12 पंजे 60 है ना, 5 कट गया किससे 12 से, फिर क्या गया 3 4 जा और 4 बन जा, ठीक है, जलीली काटता हूँ, ठीक है। तो कितना हुआ, 5 चौक 20, 5 तिया 15, अब जलीली सीखो ना, वो छोड़ बच्चों वाली बात खत्म, 25 चाहती है 12, कितना हुआ 25 कह रहा हूँ, सॉरी 5 चौक 20 और 5 थी 15, 20 और 15 कितना होता है, और 20 अच्छा लेंगे क्या, याद है हम लोग तो तरीका बताया था, माइनस का 20 माइनस का 15 इज इक्वल टू माइनस का, और माइनस का 20 इंटू माइनस का 15 इज इक्वल टू कितने के बराबर हुआ, जिसको मल्टीप्लाई आइडेंटिटी है ना, a इंटू बी और a प्लस या माइनस बी, याद है, याद है, उसी तो निकलता है आपका ये, और जब मल्टीप्लाई करते हैं तो कॉफिशियंट ऑफ स्क्वायर इनटू कांस्टेंट टर्म आता है, आ रही सबको, आ रही, चलो ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यानी हमारे पास दो वैल्यू कौन आ गई, एक आ गई 20 और एक आ गई 15, तो कहने का मतलब 15 और 20 यहाँ पे ले लेते हैं हम, क्या लिखो 20 लिख दो, यहाँ पर 50 लिख दो, सुनो अब क्या करेंगे, अच्छा चल क्या रहा है इसमें, वो ट्रिक है, ट्रिक कराई मैंने, अब 25 और 1 15 कितने हो गए, अब इनका बनाते हैं हम जोड़ा, कितना 25 ए का स्क्वायर 20 ए प्लस माइनस 15 ए प्लस 12, दोनों में कॉमन क्या है 25, 5 चौक 20, तो ए का अच्छा 5 ए कॉमन है ना, बचा क्या ए और यहाँ बचा क्या, ठीक है 5 ए, लेकिन यहाँ ऊपर चाहिए अंदर क्या निकलेगा, माइनस का 4, अंदर बचा क्या 4, कैसे निकलेगा 15 है ना, 15 है ना, 3 5 भी निकल सकते, नहीं 3 ही निकलेगा, 3 निकलेगा, बचा क्या 5 ए, जो ये आता वही आता है, ट्रिक है, ठीक है। तो दो बन गए ना आपके, एक तो हो गया 5 ए माइनस 4, ए हो गया 5 ए माइनस 3, तो एक लेंथ हो गई और एक ब्रेथ हो गई, विच इज इक्वल टू यस और नो, यानी क्षेत्रफल इज इक्वल टू लंबाई गुणा चौड़ाई, यस और नो, ये तो होता है। अब इसमें किसी को भी लंबाई मान लो, किसी को भी चौड़ाई रेंडमली, यस और नो, जी मैंने लिख दिया, आप चाहे बी बात पहले लिख दो एल बात लिख दो, कैसी रही, सेम तरीके से सेकेंड पार्ट इसका करना है, सॉल्व नहीं करोगे आप, अभी ये तो समझा रहा हूँ मैं। तो आपकी लेंथ क्या होगी, लिखोगे स्टेटमेंट तो लिखो आप लंबाई क्या मान, लेट होगा इसमें कुछ भी हो सकती है रैंडमली, तो क्या मान लोगे है ना, तो इस प्रकार क्या लिखें, देयरफॉर एल ई एन लेंथ हिंदी में लंबाई कितनी हो गई, लंबाई 5 ए माइनस 4 और ब्रेथ बी आर ई ए डी टी एच हिंदी में चौड़ाई कितना है 5 ए माइनस 3 कैसी रही, समझे, अब आप सब लोग फ्री, क्लियर।